हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पनीर लबाबदार और तंदूरी नान। तवा पर हम लोग बनाएंगे, घर पे बिना तंदूरी के तवा पे ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ना यहाँ कलछों से मैं मैदा ले रही हूँ। आप अपने अनुसार, आपके घर में कितने सदस्य हैं उसके अनुसार आप आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितना भी आप मैदा लीजिएगा ना, उतना ही आप आटा लीजिएगा, मतलब आधा मैदा और आधा आटा लीजिएगा। उसके बाद ना हम लोग ना ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी, हल्का सा आप चीनी डाल दीजिएगा, शक्कर। उसे डाल देने के बाद ना यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ चम्मच से भर भर के 2 चम्मच मैंने दही डाला है। उसके बाद दही डाल देने के बाद ना यहाँ पर हल्का सा मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके बाद ना हल्का सा नमक डाल देने के बाद ना यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो थोड़ा सा हम लोग डालेंगे। देखिए इतना हम लोग यहाँ पर डालेंगे। उसे डाल देने के बाद ना यहाँ पर हम लोग रिफाइन ऑयल है वो थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे, हल्का सा। उसके बाद डाल देने के बाद हम लोग सब आटा को, मैदा को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद आटा जो है हमारा, हम लोग सॉफ्ट गूंथना है। उसके बाद गूंथ के ना हम लोग यहाँ पर एक कपड़े से उसे गीला कपड़ा कर लेना है, और गीले कपड़े से हम लोग ढक देंगे। और इसे हम लोग ना कम से कम 20 मिनट, और उससे ऊपर आप चाहे आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा रख सकते हैं। फिर यहाँ हम पनीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला। सरसों तेल डालने के बाद मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 इलायची और 2 छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालूँगी। और उसके बाद एक मैंने प्याज लिया था बड़ा सा, वो प्याज को मैंने काट लिया था, उसे हम लोग डाल देंगे। और सब को डाल देने के बाद हम लोग उसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हम लोग गैस का जो आँच है वो हम लोग हाई हाई रखेंगे, तेज ही रखेंगे, और उसी में हम लोग को भूनना है अच्छे से। उसे भून लेने के बाद ना हम लोग यहाँ पर पनीर लिया है मैंने, उसे पनीर हम लोग यहाँ पर, मेरा ना लगभग 100 ग्राम के लगभग पनीर है। तो पनीर को ना हम लोग यहाँ पर ना मतलब इस साइज में हम लोग काट लेंगे ना, मैं एकदम बड़ा काटूँगी ना ही एकदम छोटा, मतलब मीडियम साइज में, इस साइज में मैं पनीर को काट लूँगी। इस तरीके से पनीर को काट लेने के बाद फिर ना वहाँ देखूँगी कि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर काट के रखा था, तो उसे टमाटर को भी हम लोग उसमें डाल देंगे। और डाल देने के बाद उसे अच्छे से मिलाते हुए हम लोग फिर उसे ढक देंगे, जिससे कि ढकने से ना प्याज और टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। इधर तब तक दूसरे साइड पे गैस पे मैं ना पैन चढ़ाऊंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद जो पनीर हम लोग काट के रखे थे ना दोस्तों, उसको हम लोग डाल देंगे। डाल देने के बाद ना फिर उसमें ना हल्का सा मैं नमक डालूंगी, और थोड़ा सा नमक डाल देने के बाद थोड़ा सा मैं उसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर डाल देने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाल कस्तूरी, लाल मिर्च जो होते हैं ना, उसे हम लोग हल्का सा डाल देंगे। और उसे डाल देने के बाद ना इसे हम लोग हाई फ्लेम में ही, गैस का जो आँच है उसे तेज ही फ्लेम, हाई फ्लेम में ही हमें इसे अच्छे से ना फ्राई कर लेना है। हल्के हाथों से ही फ्राई करेंगे, जिससे कि पनीर हमारा मतलब टूटे नहीं। फिर इस तरीके से हम लोग उसे फ्राई कर लेंगे, और ज़्यादा ही हमको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा हमको फ्राई करेंगे हम लोग, ज़्यादा हम लोग फ्राई नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ देखूंगी ना कि टमाटर और प्याज हमारा ना सॉफ्ट हो चुका है, तो उसके बाद पनीर भी हमारा यहाँ पर देखिए इस तरीके का हम लोग को फ्राई करना है, ज़्यादा हम लोग को फ्राई नहीं करना है। तो गैस ऑफ कर देंगे पनीर का भी, और यहाँ जो प्याज और टमाटर में हम लोग ना जो भून रहे थे ना, उसे हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, जो हम लोग दालचीनी जो डाले थे ना 2 टुकड़ा, उसे हम लोग साइड कर देंगे, फेंक देंगे, और जो तेज पत्ता था उसे भी हम लोग साइड कर देंगे। उसके बाद ना जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसे हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी हम लोग डाल देंगे, और इसका हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे हम लोग पीस लेंगे। मैंने मतलब जब टमाटर प्याज हम लोग फ्राई कर रहे थे, सब्जी डाली, मगर यहाँ पर ना मैं ना मिर्च डालना भूल गई थी, तो आप उस समय भूनते समय ही डाल दीजिएगा। तो मैं याद नहीं था, तो मैं अभी डाल के इसे
मिक्सर जार में इसे मैं पीस ले रही हूँ। उसके बाद पीस लेने के बाद ना फिर मैं गैस पे ना कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसमें थोड़ा सा मैं सरसों तेल डालूँगी। सरसों तेल डालने के बाद ना मैं यहाँ पर छोटा सा एक प्याज ली थी जिसे मैं छोटे छोटे छोटा छोटा कट करके रखी थी, उस प्याज को ना मैं ना फिर डाल दूंगी। और प्याज को डाल देने के बाद यहाँ पे गैस का आँच जो है ना हम लोग को हाई रखना है। उसके बाद ना प्याज को हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को भून लेंगे फिर यहाँ पर मैं एक शिमला मिर्च ली हूँ। शिमला मिर्च ना पूरा मैं नहीं डाली हूँ, आधा ही मैं काटी थी छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि शिमला मिर्च जो था ना थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने आधा ही काट के डाला है। उसके बाद ना शिमला मिर्च और प्याज को हम लोग अच्छे से ना भून लेंगे। भून लेने के बाद यहाँ पर ना मैं 1 चम्मच के लगभग ना मतलब अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उसको हम लोग डाल देंगे और उसको भी अच्छे से हम लोग यहाँ पर भून लेंगे। अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए हम लोग भून लेंगे। उसके बाद ना फिर मैंने ना यहाँ पर ना एक टमाटर काट के रखा था छोटे छोटे टुकड़े में, उसे भी हम लोग डाल देंगे। उसे डाल देने के बाद ना फिर यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1 चम्मच के लगभग। स्वाद अनुसार हम लोग नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग मैं जीरा पाउडर डालूंगी। जीरा पाउडर डालने के बाद ना फिर यहाँ पर मैं ना मतलब धनिया पाउडर डालूंगी आधा चम्मच के लगभग। धनिया पाउडर डाल देने के बाद यहाँ पर मैं आधा चम्मच के लगभग कस्तूरी लाल मिर्च डाल दूँगी। ये कलर अच्छा आता है, तीखा ज़्यादा नहीं होता। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या कम, अपने अनुसार आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर मसाला हमारा एकदम सूख गया था तो हल्का सा हम लोग यहाँ पर पानी डाल देंगे और पानी डाल के ना अच्छे से हम लोग इसे भुनेंगे। पानी डालने से क्या है, मसाला अच्छे से हमारा भुनाएगा, सूखा अच्छे से भुनाता नहीं है। फिर अच्छे से भून लेंगे हम लोग मसाला को और मीडियम आंच करके हम लोग ना उसे ढक देंगे, जिससे कि ना जो प्याज और टमाटर है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। फिर चम्मच से उसे ना थोड़े दबाते हुए हमें उसे गला लेना है। फिर जो हम लोग ना पेस्ट तैयार किए थे टमाटर प्याज वाला, उसे हम लोग ना उसमें डाल देंगे। मिक्सर जार में ना थोड़ा सा रह जाता है तो उसमें पानी डाल के ना हम लोग अच्छे से मिला के उसे उसको भी हम लोग डाल देंगे। और डाल देने के बाद उसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ना मतलब जो ग्रेवी है ना हम लोग को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पानी आप ऐड मत करिएगा। ज़्यादा पानी डालने से ना मतलब पतला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गाढ़ा ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। फिर ना जब उसके बाद जो हम लोग पनीर जो फ्राई करके रखे थे ना उसे हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी उबाल आने पर। उसके बाद उबल जाएगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर कस्तूरी मेथी थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा डाल के हम लोग मिलाते हुए इसे हम लोग चला लेंगे। थोड़ा देर 2 मिनट हम लोग इसे पकने देंगे, उसके बाद हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारा पनीर लबाबदार रेडी है दोस्तों। थोड़ा सा मेरे पास मलाई था, सबके घर में दूध आती है तो थोड़ा सा आप मलाई निकाल ही सकते हैं, वो मलाई आप निकाल के थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ना मैंने दो ना जो पनीर हम लोग काट रहे थे उसमें से 2 टुकड़ा मैंने पनीर का रखा था, जिसे मैं कद्दूकस कर लूँगी और ऊपर से इस तरीके से मैं डालूँगी, जिसे देखने में भी बहुत सुंदर लगता है दोस्तों और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा पनीर लबाबदार रेडी है, उसे ढक्कन साइड कर देंगे। यहाँ हम लोग का आटा भी रेडी है तो इस तरीके से ना हम लोग बेलेंगे। आप गोल भी बेल सकते हैं, लंबा भी, मैं इस तरीके का बेल रही हूँ थोड़ा लंबाई शेप में। यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है। जो रोटी हम लोग बनाते हैं ना उसे थोड़ा मोटा रखिएगा। फिर ऊपर से ना हल्का सा मैं कलौंजी डाली हूँ, आप क्या बोलते हैं यहाँ धनिया पाउडर भी, धनिया पत्ती है ना सॉरी दोस्तों, उसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ना उसे या प्लेन भी बना सकते हैं। फिर उसके उल्टे साइड में हम लोग को पानी लगा के तावे में जिस तरफ से आप पानी लगाइएगा ना उसी तरफ से आप तावा में उसे डाल दीजिएगा। उसके बाद मीडियम आँच ही रखिएगा और जब ऊपर से देखिएगा थोड़ी सी ना फूलने लगेगी फिर आप ना उसे ना इस तरीके से मतलब गैस का आँच है उसे तेज करके इस तरीके से उल्टा के उसे सेक लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने सेका है, देखिए हमारा यहाँ पर तवा नॉन रेडी है दोस्तों। आप इसमें बटर, घी, ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है दोस्तों। मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।